हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं सोनो, मैं आप सबको स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है सोनो दुर्गा व्लॉग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूं, तो मैंने बताया नहीं है। तो ये आप सबको आगे चलकर, आगे अगर वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि हम सब कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे हैं। तो आप सब भी चलिए हमारे साथ। ये बच्चे भी ना, मतलब कहीं भी जाए, चाहे पास हो या दूर, गाड़ी में बैठते ही उनको भूख प्यास सब कुछ लग जाते हैं। देखिए, मेरे दोनों बच्चे भी खाना शुरू कर दिए हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी, अभी मैं फ़िलहाल इतना बता देती हूँ कि हम रोहिणी न्यू दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली में तो हमें 3 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें दिल्ली का रास्ता इतना कुछ पता नहीं है। रोहिणी तो इतना ज़्यादा दूर थे हमारे घर से, बाप रे बाप। मतलब हमें तो 2-3 घंटे से ज़्यादा लग गए वहाँ पहुँचने में। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप सब तक पहुंच जाए। फाइनली हम आके पहुंच गए हैं रोहिणी में। अब आप सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो अब हम यहाँ पे सोफ़ा देखने के लिए आए थे। हमारे घर में सोफ़ा तो थे पहले, लेकिन वो सोफ़ा जो है बहुत पुराना हो गया था और फट गया था। इसी वजह से हमने सोचा कि एक नया सोफ़ा ले ले, और वो टीवी के नीचे जो रखते हैं ना शोपीस, तो वो भी हमें पसंद आ गया। वो भी हम देख रहे थे कि हम एक वो शोपीस भी ले जाते हैं। देखिए कितना सारा सामान है, ये बहुत ही बड़ा दुकान था। दुकान नहीं, बस फैक्ट्री है ये। हम तो कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या ले क्या नहीं। फाइनली मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया एक लाइट ग्रीन कलर का सोफ़ा, और सोफ़ा ऑर्डर करने के बाद फिर हम घर आ गए थे, सॉरी घर आने आ रहे थे रास्ते में। तो हमने सोचा कि अब रात तो हो गए हैं, तो चलो डिनर करके जाते हैं। डिनर के लिए हम इधर उधर देख रहे थे, लेकिन
हमें कहीं पे भी हमारा पसंद का खाना नहीं मिल रहा था। हम तो बहुत सी जगह जाके पूछ रहे थे, क्योंकि हमारा बहुत मन था कि हम नॉनवेज खाएं, लेकिन नवरात्रि चल रहे थे तो नॉनवेज कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन सारे रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं और फिर वापस भी आ रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट तो ऐसे ही खुले हुए थे, लेकिन उनमें खाना भी नहीं बना रहे थे नवरात्र की वजह से। यहाँ पे भी हम आके बैठ गए हाथ धो के, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिला हमें खाना। और फिर ये जो मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा होते हैं, वो तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भेज में भी इतना कुछ खास नहीं था। और फिर हमने सोचा कि चलो, अगर भेज ही खाना है तो फिर यहाँ पे क्यों, यहाँ वहाँ क्यों भटके। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम घर के पास चले जाते हैं। घर के पास हमें मिल गया था जैन साहब की चाप, और वहाँ पे बढ़िया खाना है। हम आते थे पहले भी, आए हैं कई बार यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ का चाप हमें बहुत पसंद है।